अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशिमा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और नए साल में आपने फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ अपना रेजोल्यूशन सेट किया होगा। और फिट रहना ही अभी चाहिए, फिट रहने की हम सबको बहुत ज़रूरत है, जिस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट्स हो गई हैं। तो हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें हमारा दिमाग जो है इस ट्रैक पे आता है कि हमें खाना ढंग से खाना और कितना खाना कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन हम सबसे ज़्यादा अपने आप को अपनी बॉडी को यही इग्नोर कर जाते हैं। हमें लगता है कि हम हर चीज़ का सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे चेहरे पे अगर रिंकल्स हैं या फिर कोई डार्क स्पॉट्स हैं तो वो लगाने से ही ठीक होगा। ऐसा नहीं है। 80% जो है वो आपकी डाइट होती है, 20% आप जो ऊपर से अप्लाई करते हैं अपने चेहरे पे। ये मेरा कहना का मतलब नहीं है कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाते हैं उसे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, आपके फेस के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉलेजन होता है, जो हम डिब्बा बंद कॉलेजन, जो हम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि हमें अपने चेहरे को ग्लो रखना है और हाइड्रेट रखना है तो हमें कॉलेजन लेना बहुत ज़रूरी है, ऊपर से कॉलेजन लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हम डाइट ही ठीक तरह से नहीं खाते हैं तो हमें कॉलेजन मिलेगा कहाँ से? क्योंकि जब जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, कॉलेजन का लेवल जो है वो कम होता जाता है हमारी बॉडी में। तो जो मेन सोर्स ऑफ कॉलेजन्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड फेमस कॉलेजन्स हैं, वो है बोवाइन कॉलेजन, जो कि गाय भैंसों की हड्डियों से बनाया जाता है, और दूसरा है मरीन कॉलेजन, जो कि फिश की हड्डियों से बनाया जाता है। और जो वेगन और वेजिटेरियन है वो दोनों ही कॉलेजन नहीं खा सकते हैं। तो आजकल क्या है, ट्रेंड में चला है कि वेजिटेरियन सोर्स ऑफ कॉलेजन्स बहुत है मार्केट में, जो कि रोज़ पेटल से बन रहे हैं, उसमें पोमेग्रेनेट पील्स डाल रहे हैं, उसके अंदर सैंडलवुड डाल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो फ्रेश फॉर्म में नहीं है, वो सारे डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है। और आपको ये भी नहीं पता कि वो डिहाइड्रेटेड उनको मशीन से किया गया है कि सनलाइट से किया गया है, ये भी कोई उस पर लिखा नहीं होता है। तो आप कब तक खा सकते हैं, ये कब तक खा सकते हैं आप? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और उसका असर ज़्यादा देर तक रहता भी नहीं है। मतलब पूरा पैसे को बर्बाद करने का तरीका है। तो अगर आप लेना चाहें तो आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने भी लिया है, मैंने भी ट्राई किया है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे को तो वेस्टेज ऑफ मनी ही लगता था, और वो पाउडर को घोलकर पानी में पीना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फ्रेश फॉर्म में नहीं है तो वो अच्छा लगता ही नहीं है पीने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप नेचुरल सोर्सेज पर जाएं, नेचर में सब कुछ अवेलेबल है खाने के लिए। आपको कॉलेजन बढ़ाना है उसके लिए आप खाइए, आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करना है उसके लिए खाइए। आप देखिए, एजिंग प्रोसेस को आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप स्लो डाउन कर सकते हैं, है ना। आप हर एज में खूबसूरत लग सकते हैं, उसकी खूबसूरत लगने के लिए कोई एज का कोई बैरियर नहीं होता है कभी भी, आप किसी भी एज में खूबसूरत लग सकते हैं। तो आप अच्छा खाएं, हर चीज़ का सॉल्यूशन लगाना नहीं होता है, है ना, इंजेक्ट करना नहीं होता है फेस पे। आप अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करें, आपके चेहरे पे ग्लो आना ही आना है, कैसे नहीं आएगा। तो आज जो मैं फ्रूट्स की बात करी वो ठंड के दिनों में, इन दिनों पे इजीली अवेलेबल होता है और आपको सीजनल फ्रूट्स में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा मार्केट में। तो आइए हम बात करते हैं 3 फ्रूट्स के बारे में, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मैं रोज़ शाम को खाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी ज़रूर खाएं ताकि आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं कि मेरी प्लेट में आज क्या है। मेरी प्लेट में कुछ टुकड़े स्ट्रॉबेरीज के हैं, 5 से 6 चेरीज हैं और कुछ गन्ने के टुकड़े हैं। ये तीनों चीज़ें कॉलेजन को बूस्ट करती है और इन तीनों चीज़ों में विटामिन सी की मात्रा बहुत हाई होती है। जो विटामिन सी आप ऊपर से लगाते हैं वो आप इंटरनली अगर खाएंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके चेहरे पे ग्लो कितना होगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं सर्दियों के दिनों में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं मार्केट में, और ज़्यादा भी नहीं खानी है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खानी है, लेकिन आपने 3 महीने तक खाना ही खाना है। आपको खाने के बाद खुद एहसास होगा, पूरे साल तक आपका चेहरा
पे ग्लो रहेगा, आपकी जो पोर्स है वो श्रिंक हो जाएंगे, आपका जो हाइड्रेशन लेवल है स्किन का वो बढ़ जाएगा, आपका आपके चेहरे पे कोई अगर स्पॉट्स हैं तो वो धीरे धीरे फेड होने लग जाएंगे। स्ट्रॉबेरीज में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जब वो आप इंटरनली खाते हैं तो वो ऑयल प्रोड्यूस करके आपके चेहरे पे जो ड्राइनेस है उसको नहीं आने देता है, और आपके फेस पे जो ड्राइनेस और जो टाइटनेस होती है वो लेकर आता है। तो ये तीनों फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, आपको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। मैं ज़रूर खाती हूँ, सीजनल फ्रूट्स तो खाती खाती हूँ, लेकिन एंटी एजिंग के लिए ये तीनों फ्रूट्स खाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने आपको भी यही कहना चाहूँगी कि कॉलेजन बंद डिब्बों से हटकर आप फ्रेश फ्रूट्स की तरफ आएं और इन कलरफुल फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि आप अच्छा फील कर सकें, अच्छा दिख सकें। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फ्रूट्स खत्म कर रही हूँ, आप भी सोचिए ध्यान से कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आप डब्बेबंद चीज़ों से परहेज करें, जो मार्केट में फ्रेश चीज़ें मिल रही हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करना शुरू करें, और अगर ऐसे ही ब्लॉग देख के आगे जा रहे हैं तो प्लीज़ ये ना करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि मैं ऐसी और नई चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है और आपको भी फ़ायदा हो। तो जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार, बाय।